जैसा कि हम सभी को पता है राखी का त्यौहार आ रहा है। राखी पे हम बहनें भाइयों को मिठाई खिलाती हैं, मिठाई देती हैं। तो आज हम घर पे ही किस तरीके से बिना मावा की मिठाई बनाएंगे और बाज़ार में तो पता नहीं किस तरीके की बनती हैं, तो ये सीक्रेट है कि मैं ये मिठाई किस तरीके से बनाऊंगी। इसको तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा तभी पता चलेगा कि ये मैंने किस तरीके से बनाई है। उससे पहले अगर आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन क्लिक करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ले ली है मूँगफली, मूँगफली के दाने लेके मैंने इनको रोस्ट कर ली हैं और इनके किसी के मैंने छिलके निकाले हैं, किसी के नहीं, मतलब मैंने पूरी मूँगफलियों के छिलके नहीं निकाले हैं, थोड़े बहुत मैंने इसमें रखे हैं और आधे की निकाल ली हैं। और फिर इसको अब हम कर लेंगे रफली ग्राइंड। तो यहाँ मूँगफली को हम रफली ग्राइंड कर लेंगे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया लाजवाब मिठाई बन के रेडी होगी। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुँह में पानी आ जाएगा आप सभी के अगर बना के खाएँगे तो। अब वहाँ हमने ग्राइंड कर ली है मूँगफली रफली। अब यहाँ हमने एक बोल में दूध ले लिया है, दूध मैंने गुनगुना लिया है। अब इस गुनगुने दूध में हम मिल्क पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 पैकेट मिल्क पाउडर का यूज़ किया है, तो मैं यहाँ 2 पैकेट ले रही हूँ। मैं रेनू आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल रेनू किचन चैनल पे। अब इसको हम अच्छे से बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे, मिल्क पाउडर को और दूध को। दूध थोड़ा गुनगुना ही लीजिएगा, मैंने यहाँ दूध गुनगुना ही लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको हम। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच पिसी हुई शक्कर, 1 से आधी चम्मच और मतलब 1.5 चम्मच मैंने इसमें पिसी शक्कर ले ली है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अब यहाँ हम इसको साइड में रखते हैं थोड़ा बोल को। फिर नेक्स्ट हम कढ़ाई रख लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे घी, 1/2 चम्मच इसमें मैंने घी डाल दिया है। घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तब इसमें हम डालेंगे पिसी हुई मूँगफली जो हमने रोस्टेड करके ग्राइंड करी थी रफली। अब इसको थोड़ा सा हम भून लेते हैं, गैस की फ्लेम को हम कम रखेंगे और इसको बिना हाथ को रोके हम इसको चलाएंगे। जब हल्की हल्की सी खुशबू आने लग जाए तब इसमें हम डाल देंगे मिल्क पाउडर और दूध जो हमने मिक्स करके रखा था। और यहाँ पे इसको अच्छे से डालने के बाद मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बिना हाथ रोके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, गैस की फ्लेम को हमको कम ही रखना है। इस तरीके से इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये बढ़िया तरीके से हमारा जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो यहाँ पे हम अब डाल रहे हैं इलायची, कुटी हुई इलायची डाल दी है मैंने इसमें। इलायची का फ्लेवर काफ़ी बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे देखिए चलाते चलाते हमारा पेस्ट इस तरीके का रेडी हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही टेस्टी हमारी मिठाई बनके रेडी होगी। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, हलवाई की मिठाई आप सभी भूल जाएंगे और घर पे ही इस तरीके से बना के रेडी करेंगे अपने घर पे मिठाई। तो यहाँ पे बिना हाथ रोके हमें चलाते जाना है जिससे कढ़ाई में ये लगे नहीं। अभी देखिए थोड़ा थिक हो गया है, इसको चलाते रहिए जब तक कि थिक नहीं हो जाए। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से थिक हो चुका है ये। अब इसमें मैं डाल रही हूँ करी का बुरादा और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से इस तरीके से जब थिक हो जाए तब गरी का बुरादा डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गैस को हमने बंद कर दिया है। अब यहाँ पे हम इस तरीके से का कुछ ढक्कन ले लेंगे और फिर इसमें हम घी डाल के अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ढक्कन को। ये देखिए ऐसे चारों तरफ घी को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और फिर इसमें हम जो पेस्ट है उसको डाल देंगे इस तरीके से। और ये देखिए काफ़ी बढ़िया हमारी मिठाई बनके रेडी होगी। तो यहाँ पे देखिए इसको बराबर से हम कर लेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, काफ़ी बढ़िया हमारी मिठाई बनके रेडी होगी। हाथों पे घी लगा के इसको अच्छे से सेट कर लेंगे हम। जैसे हाथों में घी इसलिए लगा लेंगे जिससे हमारा ये पेस्ट है हाथों में नहीं लगेगा। और फिर इसको अच्छे से रख देंगे फ्रिज में 15-20 मिनट के लिए। अब यहाँ पर देखिए 15-20 मिनट के लिए थोड़ा थिक हो गया है फ्रिज में रखने से। अब हम क्या करेंगे, चम्मच की सहायता से थोड़ा सा इसको इस तरीके से कट करके ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको हमने थोड़ा सा चम्मच की सहायता से कट कर लिया है। अब ये हमने ले लिया है शेप बनाने के लिए, अगरबत्ती का लगाने का वो होता है तो मेरे को शेप बनाना था तो इसलिए मैंने ये ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे गरी का बुरादा। गरी का बुरादा डालने के बाद इसमें जो हमने ये जो तैयार किया है मावा पेड़े का, इसको इस तरीके से अच्छे हल्के हाथ से इसको दबाएंगे इस तरीके से। तो
तो यहाँ पे देखिए ऐसे हल्के हाथ से इसको हमें दबाना है, ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है। और फिर इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे। तो देखिए कितने बढ़िया हमारे पेड़े बनके, ये कितना बढ़िया पेड़ा बना है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। आप इसको एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दूसरा भी हम इसी तरीके से बना के रेडी कर लेते हैं। गरी का बुरादा डाल लेंगे, फिर जो हमने पेड़े का पेस्ट रेडी किया है उसको इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से दबा देंगे। और ये देखिए काफ़ी बढ़िया हमारे पेड़े बनके रेडी हो रहे हैं। ये दूसरा भी पेड़ा हमारा बनके रेडी हो गया है। तो चलिए यहाँ पे हमने ये पेड़े बना के रेडी कर रहे हैं। काफ़ी बढ़िया लगेंगे ये पेड़े, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा अपने घर पे आप। ये देखिए इस तरीके से। तो सभी पेड़ों को हम इसी तरीके से बना के रेडी कर लेते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं बताती हूँ आपको, अगर इस तरीके से तो हमने बना ही लिए हैं, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हाथों से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसकी सहायता से इतने बना लिए हैं। हाथों पे तेल लगाई, सॉरी घी लगाइए, और फिर जो ये पेड़े हैं इस तरीके से गोल गोल हथेली की सहायता से इसको इस तरीके से बना लीजिए, और गरी का बुरादा ऊपर से ऐड कर दीजिए, डाल दीजिए। तो ये देखिए हमारा एक इस तरीके से बना लिया है हमने। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बिना इसके भी बना सकते हैं हाथों से। हाथों में घी ग्रीस करिए और लगा लीजिए। और ये देखिए हमारे पेड़े बनके रेडी हो गए हैं, काफ़ी बढ़िया बाजार जैसे। तो दोस्तों एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। बाय बाय।